हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंतरा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज शाम से मैं ब्लॉग जो है वो स्टार्ट की हूँ और आप लोग ब्लॉग में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो अभी शाम का टाइम है जिसमें कि मैं ये सारे कपड़े जो है वो उठा रही हूँ। जैसे कि धूप तो ख़त्म ही हो चुका है, साढ़े चार चार बजते बजते धूप जो होता है ना वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, जब तक ये मैं कपड़े उठाती हूँ, जितने भी कपड़े थे ना सारे कपड़े उठा ली हूँ, और इन कपड़ों को फोल्ड करना ना बहुत बड़ी टेंशन वाला काम होता है सभी के साथ। कपड़े धोना तो मेरे लिए इजी है कि मशीन में लगा दो धुल जाते हैं, लेकिन कपड़े को सूखने के लिए डालना और उसको फिर से फोल्ड करना। तो चलिए, मैं कुछ शॉपिंग की हूँ वो आप लोग पहले देख लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने कुछ शॉपिंग किया है तो मैं सोची कि आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं थोड़े बहुत कपड़े मैंने लिए हैं। और कहाँ से लिया? ऑब्वियसली अमेजोन से। 26 से 31 जनवरी तक अमेजोन पे मेगा फैशन डे सेल चल रहा है। सो गाइज, जाइए और चेकआउट कीजिए। सारे का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा, सो जाके चेक एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग कपड़े जो है वो लीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ में। अभी तो शादी का सीज़न आने वाला है तो ढेर सारी शॉपिंग करना तो बनता है। तो चलिए, मैं आप लोगों का शेयर करती हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या लिया। ये कुर्ती दिखाती हूँ आपको मैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये देख सकते फ्रेंड, ये कुर्ती इस हल्का सा, मतलब मुझे कलर जो है ना इस टाइप का ही चाहिए था और हल्का पिंकिश टाइप का है। और इसमें जो है ना, ये ना हैंड वर्क, हैंड का जो रहता है ना, हाथ का जो प्रिंटेड काम रहता है ना, वो ये रहता है। तो मुझे इस टाइप की कुर्ती ना सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। जींस विंस के साथ इसको वेयर करना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे काफ़ी इस टाइप की कुर्ती जो है बहुत पसंद है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने लिया है टी शर्ट। दिखाती हूँ आपको किस टाइप का, थोड़ा सा अलग टाइप का मैंने टी शर्ट लिया है। ये देख सकते हैं, ये टी शर्ट मैंने, ये पता है ये टी शर्ट क्यों लिया? एक तो था कि इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा वाला सुंदर। और इसका जो ये प्रिंट था ना, वो तो बस मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए। और अमेजोन में आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है। सो आप इसको ज़रूर लीजिएगा और अपने डेली वेयर में या फिर अपने स्पॉट्स में इसको यूज़ आप कर सकते हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल भी है। उसके बाद मैंने लिया एक सिंपल सी साड़ी ली है, जैसे लाइट वेट की साड़ी है ना बोलते, ये एकदम से लाइट वेट की साड़ी है फ्रेंड, देख सकते हैं काफ़ी सुंदर। इसको पहनने के बाद भी ना बहुत अच्छा लुक आने वाला है, बहुत ही जस्ट ना। इसमें आपको ब्लाउज पीस भी मिल जाता है, कलर देख ही सकते हैं आप कितना प्यारा है। और काफ़ी लाइट वेट साड़ी है, तो मुझे ना मतलब ऐसा साड़ी चाहिए जो लाइट वेट भी रहे और अच्छा भी लगे, तो इस टाइप का साड़ी लगता है देखने में। तो ये साड़ी आपको वैसा है, आप इसको डेली यूज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये अपने हस्बैंड के लिए। ये अपने हस्बैंड के लिए मैं ली थी 26 जनवरी रिपब्लिक डे के लिए, उनके लिए कि वो अपना पहनेंगे। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने लिया है शर्ट। कैसा लग रहा है कलर बताइएगा। प्योर कॉटन में है ये शर्ट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी उनको मैंने पहना के नहीं देखी हूँ साइज़ वाइज का क्या इशू, लेकिन जो साइज़ मैं लेती हूँ वही साइज़ मैंने लिया है। क्वालिटी पर्पज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसकी क्वालिटी का तो क्या ही कहना है। अमेजोन में देखिए कभी कल होता है, कभी आपको अगर कुछ ख़राब मिल जा रहा है ना तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, आप इसको रिटर्न कर सकते हो, इजिली आपका पैसा आपके अकाउंट पर आ ही जाता है ना। उसके बाद मैंने अगेन एक टी शर्ट लिया है, मैंने एक और टी शर्ट लिया था पता है आपको, पर वो इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना टी शर्ट, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब मुझे ध्यान में रखना है कि उस ब्रांड का मैं लूँ तो मैं थोड़ा सा साइज जो छोटा लूँ, है ना। तो ये टी शर्ट दिखाती हूँ, ये टी शर्ट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा है और एकदम प्रिंटेड टी शर्ट है, तो मुझे ये टी शर्ट काफ़ी अच्छा लगा और ढीला ढाला सा है। मैंने उतना टाइट फिटिंग में ना टी शर्ट नहीं पहनती हूँ फ्रेंड, मैं आपसे बताऊँ मैं टाइट फिटिंग टी शर्ट नहीं पहनती, मुझे ऐसे ढीले ढाला टी शर्ट जो है ना पहनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग होता है टाइट फिटिंग पहन लेते हैं, उनको कम्फर्टेबल होता है तो पहनते हैं, मुझे कम्फर्टेबल नहीं होता है तो मैं ढीला ढाला टी शर्ट जो है वो ज़्यादा करके वेयर करती हूँ। तो उसके बाद मैंने ये दिखाती हूँ आपको, मैंने एक लोअर लिया है, नीचे का ट्राउजर वो दिखाती हूँ।
ये देख सकते हैं इसका कलर जो है काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा ये वाला कलर। और ये गंदा भी बहुत जल्दी होगा ये कलर, बट बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर ये टी शर्ट पहनूं या फिर ये टी शर्ट पहनूं, दोनों ही के दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सो आपको इन सब में से क्या लगा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड। और इन सबके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा। 26 जनवरी से लेके 31 तारीख तक मेगा फैशन डे सेल चल रहा है, सो जाइए चेकआउट कीजिए और ढेर सारी शॉपिंग कीजिए और ब्लॉगिंग एंजॉय कीजिए। तो कैसे लगी मेरी शॉपिंग ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इसका ना सारे का लिंक मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। और यहाँ पे देख सकते हैं रिशांग कितना ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, ऐसे तो ये इनर पहना हुआ था लेकिन मैं इसको जैकेट पहना रही हूँ क्योंकि ठंड तो है ही। और इसका ना बड़ा ड्रामा है कि नहीं मुझे गर्मी लग रहा है, मुझे जैकेट नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो बच्चे के ना ड्रामे बहुत होते हैं। तो अभी मैं इसको जैकेट वैकेट पहना दूँगी और आज जो है मैं अपना इवनिंग रूटीन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे इसको शॉक्स भी पहना रही हूँ, उसके बाद इसके ने स्कूल ट्यूशन जितने भी होमवर्क है ना आराम से इसको बैठा दूँगी, सारे कॉपीज़ दे दूँगी और उसके बाद ये अपने स्कूल की भी होमवर्क कंप्लीट कर लेगा और अपने ट्यूशन की भी जो होमवर्क है वो भी ये कंप्लीट कर लेगा। अभी मुझे शाम की पूजा भी करनी है, तो फिलहाल तो मैं इसके होमवर्क्स चेक कर रही थी क्या है नहीं है, क्या ही करता है। ट्यूशन से स्कूल तक को इसको ध्यान देना पड़ता है कि बच्चा पढ़ भी रहा है या टाइम पास करने तो स्कूल नहीं जा रहा है ना, तो क्योंकि बच्चे को देखिए बच्चे को गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा मुँह हाथ धो लेती हूँ और उसके बाद मैं दिया जला देती हूँ, शाम का टाइम हो ही गया है तो पहले तो जला लेते हैं दिया, क्योंकि शाम के 5 से 6 के बीच में मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ घर में। मुझे कमेंट आया था कि आप संडे के दिन ना तुलसी मैया में जल नहीं चढ़ाओ, तो आगे से मैं ये चीज़ याद रखूँगी क्योंकि देखिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली नहीं हूँ, या ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई भी ब्लॉग्स में अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने पॉजिटिव कमेंट करते हो और इतनी अच्छी कमेंट करते हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया आप सभी का। सो अभी मैं यहाँ पर जा रही हूँ रिशांग को दूध देने के लिए, क्योंकि अभी शाम में जब वो ट्यूशन पर है ना तो उसके बाद मैंने उसको कुछ दिया नहीं है। और यहाँ पे दूध में ना थोड़ा सा मलाई जमा हुआ था तो मैं मलाई को एक जगह जमा करती हूँ, घी के लिए अभी कुछ दिन पहले नहीं जमा कर रही थी तो घी मुझे ख़रीदना पड़ गया था, जबकि 2 लीटर दूध लेते ही हैं तो फिर क्या ही करेंगे। इतना छोटा सा लौकी था बाहर फ्रिज के निकाल के रख दी, सोची कि इसमें ना आलू डाल के सब्जी बना लूँगी। अभी कुछ दिन से हस्बैंड जो है ना थोड़ा बिजी चल रहे हैं, जिस वजह से मतलब मैं मतलब घर में सब्जी की थोड़ी सी कमी है क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं अभी उनके ऑफिस में, इस वजह से। तो हस्बैंड बिजी चलते हैं ना फ्रेंड, तो मेरे घर में है ना सब्जियों की ना थोड़ी सी कमी जो है ना वो हो ही जाती है, तो अच्छा कोई नहीं है। तो थोड़ी सी लौकी थी, मैं सोची उसमें आलू मिला के सब्जी जो है वो बना लूँगी। तो अभी किचन को है सेट कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे रिशांग को मैं दे देती हूँ हॉर्लिक्स पीने के लिए, उसको ना चेंज कर करके देती हूँ कि बोर ना हो। कभी हॉर्लिक्स दे देती हूँ, कभी बॉर्नविटा दे देती हूँ तो उसको अच्छा लगता है। तो बॉर्नविटा को तो वो उसको लगता है ना कि मैंने उसको चॉकलेट दिया है दूध में मिला के, तो बहुत इंजॉय करके पीता है। और हॉर्लिक्स को उसको लगता है कि मैं उसको चाय दे रही हूँ तो वो भी बहुत इन्जॉय करके पीता है। लेकिन थोड़ा सा इसको ना बोलना पड़ता है, बच्चे को बच्चे के साथ आपको बच्चे बनना पड़ता है, ऐसा ही लगता है।
मैं यहाँ पे अपना ग्रीन टी बैठा दी हूँ। रिशांक यहाँ पे आके बोल रहा है कि नहीं मुझे दूध नहीं पीना, मम्मी दूध नहीं पीना ऐसे कर रहा था। मैंने कहा अभी दूध ठंडा होगा तभी पीना है। तो फिलहाल मैं अपनी ग्रीन टी बना ली हूँ और शाम के शाम आजकल मैं ग्रीन टी पीती ही पीती हूँ। मॉर्निंग में तो पीती हूँ लेकिन शाम के टाइम पर ग्रीन टी पीती हूँ और इसमें थोड़ा सा लेमन डाल देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा स्वाद जो है ना थोड़ा बेटर हो जाए, है ना। और वैसे भी ग्रीन टी में नमक और हनी मिला के लोग पीते ही पीते हैं। तो अभी मैं आराम से बैठ के और पीऊँगी। और यहाँ पे निशांक का मैं दूध रख देती हूँ। दूध अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है और निशांक अभी गया है वॉशरूम में, तो उसको आने में थोड़ा बहुत अभी टाइम लगेगा। तो मैं कही कि चलो थोड़ा सा तब तक बैठती हूँ क्योंकि अभी वो गया बाथरूम में। तो उसको ना जब भी कुछ होता है ना तो उसके बाथरूम का कोई टाइमिंग नहीं है, उसको कभी भी बोलता है भाई मुझे वाशरूम जाना है, मुझे वाशरूम जाना है, ऐसे करता है। सो अभी मैं यहाँ पर आप लोग के कमेंट्स चेक कर रही थी, जो आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स था, और उसके साथ मैं अपना ग्रीन टी इन्जॉय करूँगी। साथ ही मैं आप सबके कमेंट के रिप्लाई करती हूँ। सो पॉजिटिव कमेंट होता है तो रिप्लाई कर देती हूँ, नेगेटिव होता है तो उसको रिमूव कर देती हूँ। क्या ही करूँगी, कुछ मैंने ये बात एक बार बोली थी कि मैं कमेंट्स रिमूव करती हूँ, तो इसमें भी कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप कमेंट्स रिमूव क्यों करती हो। जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट करते हैं वही लोग ने मुझे ये मतलब कमेंट में ही कहा था, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, तो मैंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। और मैं नेगेटिविटी चीज़ों की रिप्लाई भी नहीं देती हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ सब लोग एक तरीके के नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे रिशांक को मैं कह रही थी, वो वॉशरूम गया था, तो मैं उसको बोल रही थी कि अपने सॉक्स पहन लो क्योंकि बाथरूम गया था तो सॉक्स जो है वो खोल के गया था। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसे लगा? ये जितने कपड़े हैं सबको फोल्ड करके रख दूँगी। ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसीलिए रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता है ना तो फिर आप लोग भी स्किप कर करके आगे बराबर आके फ्रेंड देखते हो। अभी कुछ दिनों में आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो है वो मेरे मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी आप लोग को यहाँ से देखते देखते अगर आप बोर हो रहे हैं ना तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं अभी आपको बहुत अलग अलग चेंज करके जो ब्लॉग है वो आप लोग के साथ फ्रेंड शेयर करूँगी। सो बातें करते करते देख सकते हैं सारे कपड़े भी धुल गए हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे धुलना ज़रूरी हो, जैसे मैं ना रहूँ तो हस्बैंड को प्रॉब्लम ना हो, उनके कपड़े प्रेस करके जाऊँगी कि उनको टेंशन ना हो। तो अभी बस वही सिलसिला चल रहा है कि उनके जो भी कपड़े हैं, जो सूज है, उन सब पे मैं ध्यान दूँ धोने वोने में, क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ ना तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्या ही पहनूँ क्या ही पहनूँ। तो मैं जब भी जाने से पहले ना उनके सारे कपड़े एक के पास रख के चली जाती हूँ एक जगह पे कि उसको प्रॉब्लम उनको जो है प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये भी आज मैंने धोया था, बेडशीट है ये, इसको बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ ब्लैंकेट भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज ही मैं इसको भी वॉश की थी, तो काफ़ी हल्का है और लेकिन पानी पड़ने पर भारी हो गया था, सूखने पर फिर से हल्का हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर निशांक को सॉक्स फिर से पहना देती हूँ क्योंकि बाथरूम से आया तो फिर सॉक्स से, और देख सकते हैं पैंट कैसे कैसे पहन के चला आया, देख ही सकते हैं। मैं कह रही इसको ऐसे पैंट क्यों पहन के चले, तो बोल रहा मम्मी ठीक लग रहा है ठीक लग रहा है। मैंने कहा पहले इसको सॉक्स पहना देती हूँ, उसके बाद पैंट जो इसके चेंज कर दूंगी। और निशांक अभी डेली स्कूल जा रहा है तो मेरा थोड़ा दिमाग थोड़ा शांत है क्योंकि स्कूल से आता है, ट्यूशन पढ़ाने वाली इसकी मैम आ जाती है, फिर इसको टाइम ही नहीं मिल पाता कि उतना फ़ोन देखेगा। बच्चे फ़ोन देखने में इतना बिजी हो जाते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ फ्रेंड। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद यही है कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, लव यू।